हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ओड्स रेशो के बारे में। आइए उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं और अभी हम समझते हैं कि और कोशिश है हमारी कि हमने एक क्रॉस टेबुलेशन को रिग्रेशन जैसे रिजल्ट्स के अंदर लिखना है। तो एक बार पीछे से दोबारा देख लें, हमने बात की एक होती है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग टू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग, इसको बोलते हैं ओड। ओड हमारे अनकंडीशनल या कंडीशनल, जब ओवरऑल देखते हैं टोटल में उसको बोलते हैं अनकंडीशनल। और अगर मैं उसको सेग्रीगेट करूं कि बॉयज़ के लिए क्या, गर्ल्स का क्या, अनएम्प्लॉयड के लिए, एम्प्लॉयड के लिए कितना, उसको बोलते हैं कंडीशनल ओड। जैसे अभी तक के डाटा में मैंने देखा है कि अगर कोई पर्सन एम्प्लॉयड है, उसकी हाई शॉपिंग की मेरे पास 9 लोग थे, कैटेगरी एम्प्लॉयड हैं जो हाई शॉपिंग है, और लो शॉपिंग वाले 3 थे। तो मैं इन जनरल मेरे डाटा सेट से कंक्लूड करता हूँ कि हाई शॉपिंग वाले जो मुझे मिले वो लो शॉपिंग वाले से 3 गुना थे। इसको हमने बोला फॉर एम्प्लॉयड हाई शॉपिंग टू लो शॉपिंग अमाउंट इज दिस रेशियो और 3:1। और अनएम्प्लॉयड के केस में बात करें तो एक्चुअली रिवर्स है, हाई शॉपिंग वाले बहुत कम हैं, मे बी 1/3 या उससे थोड़ा सा ज़्यादा लो वाले से। तो इसका रेशियो है 0.2861 और इन दोनों का रेशियो वो हमारा कहलाता है ओड्स रेशियो। एक बारी इस बात को 10.5 को और अच्छे से समझते हैं। पहली बात तो क्या आप ये देख पा रहे हैं, ये जो 10.1 है इसमें इन चारों का रिलेशन है, इन दोनों का, इन दोनों का, और ये इसलिए दो बातें बोल रहा है। 10.5 क्या चीज़ है, ये ओड्स रेशियो क्या होता है? ओड्स रेशियो का मतलब है, पहली चीज़ तो हाई शॉपिंग वाले लो शॉपिंग वालों से, सॉरी एम्प्लॉयड जो है वो अनएम्प्लॉयड से 10.5 ज़्यादा है। यही हो ना बेसिक, तो एम्प्लॉयड क्योंकि हमने किया है 3/0.286, तो 10.5:1। 10.5 का मतलब है हर एक अनएम्प्लॉयड आदमी के लिए मेरे पास, मुझे डाटा में 10.5 एम्प्लॉयड मिले। किस चीज़ में मिले? इस चीज़ में कि वो हाई शॉपिंग पे जाएंगे या नहीं। तो देखिए, अगर मैं कोशिश करूँ कि इसको रिग्रेशन की तरह लिखना है, पर रिग्रेशन तो सिंपल होता है, y=a+bx। यहाँ तो चार ब्लॉक हैं, चार ब्लॉक को कैसे लिखें? तो एक ब्लॉक को तो हमने ये किया कि इसको बेस कैटेगरी माना, लो को, तो लो को मानते हुए हाई की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें देना पड़ेगा जब हम रिग्रेशन रन करेंगे। सेकेंडली मैं एम्प्लॉयड और इसमें भी एक बेस मानना पड़ेगा, यहाँ मैंने इसको बेस लिया। इसका मतलब जब भी मैं ओड रेशियो की बात कर रहा हूँ 10.5 की, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में शॉपिंग अगर लूँ तो मैं बिना कहे ये बात करूँगा कि हाई जब भी बोलूँगा वो लो के कंटेक्स्ट में होगा, बेस कैटेगरी लो है तो हाई की बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ कहा 10.5 टाइम्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लो। कौन है ये ज़्यादा? इसमें बेस कैटेगरी है अनएम्प्लॉयड, तो इसमें 10.5 एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं, हर एक अनएम्प्लॉयड के लिए 10.5 एम्प्लॉयड हैं। किस चीज़ के लिए? हाई के लिए, लो का नहीं। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और यहीं पर ये रिग्रेशन से अलग बन जाता है, और यही पैटर्न लॉजिस्टिक्स, बाइनरी, मल्टीनोमिनल, ऑर्डिनल, सब पे यही पैटर्न चलने वाला है कि वो टेबुलर फॉर्मेट में होगा। तो आप इसको वैसे नहीं समझ सकते जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन है कि एक्स की एक यूनिट बाई वाई कितना बड़ा, ये वैसे काम नहीं करता, ये प्रोबेबिलिटी में काम करता है। तो चलो एक अटेम्प्ट करते हैं इसको लिखने का रिग्रेशन की तरह। तो मेरे पास दो चीज़ आई है, अनएम्प्लॉयड के लिए मेरे जो ओड्स हैं 0.2861 है, एम्प्लॉयड के लिए मेरे ओड्स हैं 3:1, ठीक है, दो चीज़ें हैं मेरे पास। और यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, बेस मैंने माना हुआ है अनएम्प्लॉयड को, तो वहाँ मैंने ओड्स को लिखा 0.2861, ठीक है, 286 को अभी छोड़ दो, इसको छोड़िए, कहाँ से आया ये वन, क्या है ये वन जो है, ये ओड्स रेशियो जो होता था 10:5:1 है, यानी एम्प्लॉयड करेंगे तो यहाँ वैल्यू 10.5 आएगी, और अनएम्प्लॉयड में बेस में तो नीचे डिनोमिनेटर वन ही आता था, और किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया मैंने, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया, इनको मल्टीप्लाई किया तो 286 बन गया, जो ये सही है, और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3, ये भी सही है। अब इस वाले पोर्शन पे आ जाइए, ये क्या चीज़ है और ये आया कहाँ से? बेसिकली तो आप ये बोल सकते हैं क्या मैथ हो रहा है ये, 0.2861 तो 286 ही होता है, ऐसे मत देखो इसको, एक बार ऐसे देखें, ये तो एक कोई भी कॉन्स्टेंट होगा, ये ओड रेशो होगा किसका, यहाँ पर जो दिया है हमने एम्प्लॉयड के लिए 10.5 है, अनएम्प्लॉयड के लिए 1 है, वर्टिकल पढ़ें एक बारी, और ये क्या है, ये दोनों के अपने अपने ओड्स हैं, अनएम्प्लॉयड के लिए 0.286 था, अनएम्प्लॉयड के लिए, हम एक फॉर्मूला सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये 3 एक्चुअली क्या होता है,
थ्री कहाँ से आया था? थ्री तो हमने ये निकाला था कि दिस, अगर इसको मैं हाई कैटेगरी को पी बोलता हूँ तो ये वन माइनस पी था। क्यों था ये? तो इसका मतलब ये जो तीन है, दिस इज नथिंग बट ओड है, ये पीछे से हम कर चुके, दैट इज पी ओवर क्यू। इसको हम कैसे लेंगे इस फॉर्मेट में? अ नंबर 0.286 है जैसे, इन टू ओड रेशो। क्या ये फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ से ड्राइव किया इसके लिए भी सही बैठता है? देखो, पी ओवर वन माइनस पी 286 आया। कैसे आया ये? पी क्या है हमारा हाई के लिए? 222। वन माइनस पी क्या है? 77। इन दोनों का रेशियो 286। ठीक है, 286 इंटू अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ओड्स रेशियो कितना है? ओड्स रेशियो 10:5:1 अगर हमने बात की है तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए तो ये 1 हुआ ना, 10.5 हमने यहाँ लिया, दैट मीन्स ओड रेशियो है। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो इन दोनों से एक हमने पैटर्न सा बनाने की कोशिश की है, दिस नंबर दैट इज अ कॉन्स्टेंट इन टू ओड रेशियो रिस्पेक्टिव का विल बी इक्वल टू पी ओवर वन माइनस पी। ये जो फॉर्मूला है ये पूरे हमारे सब लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन का सोल है। ये आपको एक बार ये समझना पड़ेगा ये है क्या चीज़। ये मैंने टेबुलर फॉर्मेट को कन्वर्ट कर दिया है एक तरह के इक्वेशन में। पी ओवर वन माइनस पी क्या है? इनका रेशियो है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट हमारा बेसिकली बेस कैटेगरी का 286 क्या है? यही है ना 286। ये हमारा बेस कैटेगरी का ऑड है मल्टीप्लाइड बाय ऑड रेशियो। ठीक है, सीमिंगली ये दिख रहा है कि कर क्या रहे हैं, वही वही बात को बार बार बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी एक मिनट यहाँ देखिए। इसमें अगर मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो क्या बन जाएगा? ये लॉग ऑफ ऑड्स बन जाएगा और लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू ओ आर ये बन जाएगा। अब आपको लॉग ऑफ एम इंटू एन का फार्मूला याद है? लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन सेपरेट कर दें, लॉग ऑफ कॉन्स्टेंट एंड प्लस लॉग ऑफ ओ आर। आई नो कि आपका शायद मैथ और ये लॉग बहुत फेवरेट ना हो, लेकिन हम उतना हायर मैथ भी नहीं डिस्कस कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट का लॉग कितना होता है? कॉन्स्टेंट का लॉग तो उसका लॉगरिथम ले लेंगे, वो भी नेचुरल बेस से, वो भी एक कॉन्स्टेंट ही होगा। और लॉग ऑफ ओ आर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? लॉग ऑफ ओ आर इंटू एनी नंबर इधर 1 और 0। वो कैसे हमें पता लगेगा? मेरे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मैं यहाँ पे डिपेंडेंट ले रहा हूँ, शॉपिंग अमाउंट इंडिपेंडेंट इसको ले रहा हूँ। इंडिपेंडेंट तो कैटेगोरिकल है, या तो उसकी कैटेगरी 1 है या उसकी कैटेगरी 0 है, तो यहाँ पर बेस ग्रुप का कोड आ जाएगा। अब इसको एक बार देखिए और एक बार इक्वेट करने की कोशिश करें, क्या लीनियर सिंपल लीनियर रिग्रेशन ऐसा ही होता था? वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू एक्स, ये हम बिल्कुल ऐसा ही लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वाई क्या है? लॉग ऑफ ओड्स। ठीक है, किस चीज़ का ओड्स? यहाँ खास ध्यान रखना है किस चीज़ का ओड्स है ये डिपेंडेंट वेरिएबल का। क्या है वो? वो है हमारा शॉपिंग। इसमें बेस कैटेगरी किसको लिया हमने? लो को। तो हम जब भी बात करेंगे हम बात करेंगे विद रेफरेंस टू लो, यानी हाई और लो के रेशो को हम बोल रहे हैं, उसका ये लॉग है। और इसके जो लॉग ऑफ ऑड्स बोलते हैं ना, आप इसको ऐसे बोले लॉग ऑफ इट, इसलिए इसका नाम है लॉजिट। ठीक, लॉग ऑफ इट। एक क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट कहाँ से आया? लॉग ऑफ कांस्टेंट है। ओके, वो कांस्टेंट अंदर वाला कहाँ से आया? दिस इज नथिंग बट ऑड ऑफ द बेस ग्रुप। जिसको भी आप, ये कौन सा बेस ग्रुप है? अभी अभी तो हमने यहाँ का बेस डिस्कस किया, ये है हमारा इंडिपेंडेंट का बेस। इंडिपेंडेंट कौन सा था हमारा? अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ हम अनएम्प्लॉयड की बात करेंगे। ये दो अलग अलग बेस चल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोशिश हो रही है क्रॉस टेबुलेशन को रिग्रेशन में कन्वर्ट करने की। ओके, बी क्या है हमारा? बी है हमारा लॉग ऑफ ओ आर। लॉग ऑफ ओ आर, ओ आर क्या होता है? ओड रेशो, जो यहाँ से हम निकालते थे एक्स से। ठीक है, और फाइनली ये आखिरी एक्स क्या है? एक्स तो एक कोड है, या तो 0 है या 1। राइट, अब इस चीज़ को यहाँ देखिए, ये एक आउटपुट है इसी टेबल का। अगले वीडियोज़ में हम करेंगे भी, पर एक बार ही हम ये देखते हैं इस आउटपुट में और रिग्रेशन के आउटपुट में, जो सिंपल रिग्रेशन है, क्या कॉमन है और क्या अलग है। बी वहाँ पे भी होता है अनस्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड एरर होता है, यहाँ वोल्ड है। वोल्ड क्या होता है? दिस डिवाइडेड बाय दिस होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये टी जैसा ही है लेकिन उसका स्क्वायर है ये। डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिग्निफिकेंस, ये एक अलग चीज़ निकाली है लोअर अपर, ये तो बिल्कुल रिग्रेशन जैसा ही है। लेकिन इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ है? वहाँ तो लिखा होता था ना सिंपल रिग्रेशन में, नीचे लिखा होता था डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वेरिएबल ना होके उसका रेशो है।
पहली चीज तो, क्योंकि हम थ्रू आउट बात कर रहे हैं कि लो और हाई, रादर हाई टू लो की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के रेशियो को ऑड बोलते थे, और उसका ये उतना सिंपल नहीं है वाई इजिकल टू प्लस बी एक्स, ये लॉर्ड ऑफ लॉग ऑफ ऑड्स है, ये इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट प्लस बी एक्स। ये वाला हिस्सा तो बिल्कुल रिग्रेशन जैसा है, लेकिन इधर वाला रिग्रेशन जैसा नहीं है। ये जो ऑड्स है किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो ऑड्स का मतलब तो प्रोबेबिलिटी के रेशियो को बोलते हैं। ऊपर क्या नीचे क्या, नीचे एक बेस होगा जो आपको कहीं डिफाइन करना पड़ेगा कि एक बेस कैटेगरी है और एक मेरी दूसरी कैटेगरी है। इसका इंटरप्रिटेशन अब हम क्या निकालें, अभी चेक कर लेते हैं। अगर मैं इसको टिपिकल एम्प्लॉयमेंट क्या है, कैटेगोरिकल वेरिएबल था जिसका कोड था 0 या 1, 0 मतलब अनएम्प्लॉयड, 1 मतलब एम्प्लॉयड, ठीक है। ये स्पेसिस फाइल से है, हम अभी करेंगे डिस्कस। आइए इसको बिल्कुल रिग्रेशन की तरह ट्रीट करते हैं, और हम अब रिवर्स देखते हैं कि अगर मुझे ये टेबल गिवन हो इससे क्या मैं कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ। आओ देखें, जब मेरे पास अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनका कोड है 0, तो यहाँ पे मैं 0 पुट कर दूंगा। 0 पुट करने से ये पूरा बन गया 0 और लॉग ऑफ ऑड्स बन गया -1.253, ठीक है। ये वाला हिस्सा पूरा 0। लॉग का उल्टा क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, राइट। तो अगर मैं एक्सपोनेंशियल लेता हूँ उसका, तो ये लॉग तो हट जाएगा और इसका एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। सो टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ऑड्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर -1. दिस और ये वैल्यू क्या होती है, 286। इसका मतलब ये बना कि अब हम इस टेबल से पढ़ रहे हैं, पीछे का नहीं देख रहे डाटा। अगर मुझे सिर्फ ये डाटा गिवन हो, मैं इसे कैसे पढ़ूंगा, जो कैटेगरी बेस कैटेगरी थी जिसका भी कोड आपने 0 लिया था, हमने अनएम्प्लॉयड का लिया हुआ है, उसकी ओड्स, किस चीज़ के ओड्स, ये क्या ओड्स है, डिपेंडेंट। क्या था वो ओड्स, हाई सेल्स से लो सेल्स वाले। बेस कैटेगरी इंडिपेंडेंट की बेस कैटेगरी के लिए जो ओड्स हैं, जो प्रोबेबिलिटी का रेशियो है, वो 0.286 है। और समझे, और डिटेल में बोलने से, अनएम्प्लॉयड लोगों में जो हाई शॉपिंग करेंगे और जो लो शॉपिंग करेंगे उनका जो रेशियो है 0.286:1 है, ठीक है। जब भी 0.286, जब भी ओड रेशियो एक से छोटा होगा तो लेस लाइकली टू हैपन देन द बेस ग्रुप, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है अनएम्प्लॉयड में हाई शॉपिंग वाले बहुत कम होंगे, लो शॉपिंग वाले ज़्यादा होंगे, और उनका रेशियो 286 है। मिला लें इस चीज़ को, ऐसे ही था 4:14 एंड दैट इज 286:1। नीचे जब एम्प्लॉयड लिए हमने, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे, बिल्कुल रिग्रेशन की तरह। 1 पुट करने से ये पूरा हमारा बन गया 1.099, लॉग ऑफ ओड्स इज इक्वल टू 1.099। इसका मतलब ओड्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर प्लस आई है 1 का, तो इसका आ गया 3। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिखी है, कांस्टेंट के आगे देखिए 286 ये आ गया और ये 3 आ गया। 3 को कैसे पढ़ेंगे अब, क्या इंटरप्रिटेशन हुआ, एम्प्लॉयड में जब हमने बात की, एम्प्लॉयड में जो हाई सेल्स पे जाएंगे, ये वाला जो हाई सेल्स पे जाएंगे स्टूडेंट्स या रेस्पोंडेंट्स, वो लो सेल्स वाले से 3 गुना होंगे एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर। एम्प्लॉयड कैटेगरी ये तो 1 कर दिया, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, हाई टू लो है। एम्प्लॉयड कैटेगरी में जो हाई पे जा रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी लो वालों से 3 गुना है। चेक कर लीजिए, हाई की प्रोबेबिलिटी लो वालों से, एम्प्लॉयड में हाई की लो से 3 गुना है, राइट। ओके, अगर हम ये बात करें, चलो ये तो समझ आया, तो एम्प्लॉयमेंट का क्या शॉपिंग से कोई इफेक्ट निकला ओवरऑल, तो बिल्कुल रिग्रेशन की तरह इसने कहा हाँ, ये देखो 007 है, बिल्कुल इफेक्ट निकला, एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन है। और वो क्या रिलेशन है, अगर मैं एम्प्लॉयड को, बेस कैटेगरी यहाँ पर है अनएम्प्लॉयड, इन दोनों का रेशियो लूँ 3/0.286, वो 10.5 आ गया। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है 10.5, क्या मतलब बना इस बात का, अगर आप एम्प्लॉयमेंट जिसकी कैटेगरी 1 मतलब बेस आपका है अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड के कंपैरिजन में एम्प्लॉयड जो पर्सन है वो 10.5 टाइम्स ज़्यादा प्रॉन है किस चीज़ के ओड्स, यहाँ क्या लिखा हुआ है, हाई शॉपिंग के लिए। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, व्हाट इज ओड्स रेशियो, और ये जो इसके आगे जो लिखा होता है क्या इंटरप्रिटेशन निकालेंगे। दो बेस कैटेगरी हैं, एक तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना,
एम्प्लॉयमेंट जिसका कोड 1 दिया है उसकी बेस कैटेगरी अनएम्प्लॉयड से 10.5 टाइम्स ज़्यादा है। किस चीज़ में ज़्यादा है, इधर आ जाइए। अब ये क्या था, हाई और लो का रेशो। हाई की तरफ जाने में हर एक, अगर मैं बोलूँ लो सेल्स वाला है तो वो हाई सेल्स वाला 10.5 मिलेगा, एक अनएम्प्लॉयड से एक एम्प्लॉयड आदमी 10.5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस हैं उसके हाई सेल्स में जाने के। अगर मुझे ये चीज़ थोड़ी थोड़ी समझ आई, क्या यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये तो चलो समझ आया, हमने ये ओड्स बना दिए इसका रिग्रेशन जैसा। अब एक बिल्कुल शुरू में हमने किया था कि अगर ओड्स हैं पी ओवर वन माइनस पी, अब सिंपल प्लस वन करके और इन्वर्स करके आप निकाल सकते हैं, पी इज इक्वल टू ओड्स ओवर वन प्लस ओड्स। इसका मतलब अगर ये, चलो हमने कहा थोड़ा बहुत आया समझ, अब ये बताइए कि एक नया पर्सन आया है और वो एम्प्लॉयड है, उसके कितने चांसेज हैं कि वो हाई शॉपिंग में जाएगा। डाटा मुझे यही है, फॉरगेट अबाउट द प्रीवियस टेबल। इससे क्या कंक्लूजन मैं निकाल सकता हूँ आगे के डाटा के लिए, एक नया पर्सन आया और उसने बताया मैं एम्प्लॉयड हूँ, रिग्रेशन तो आपको याद होगा ना, प्रिडिक्शन के लिए यूज होता है। अब हम ये बोलेंगे ठीक है, एम्प्लॉयड का ओड्स कितना है, 3। ठीक है, कैसे निकालेंगे, यहाँ तो दे नहीं रखा 3, तो इन दोनों को ऐड करें और वो जो आएगा उसको एक्सपोनेंशियल निकाल दें, वो 3 आ गया। अगर ये 3 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओड, 3 डिवाइडेड बाई 4.75 आ जाएगी। और अनएम्प्लॉयड की कितनी होगी, अनएम्प्लॉयड की होगी 0.286, उसका ओड डिवाइडेड बाई 1 प्लस 286, ये आ गया 222। एम्प्लॉयमेंट की हम जो फ्यूचर प्रिडिक्शन करेंगे तो इसमें सिर्फ दो ही तरह की प्रिडिक्टेड वैल्यू होंगी। आपको याद है रिग्रेशन में जब आप प्रिडिक्टेड वैल्यू निकालते थे तो हर एक की एक्स, क्योंकि अलग अलग होता था, अलग अलग निकलते थे, यहाँ पे तो दो ही कैटेगरी हैं तो दो ही वैल्यू प्रिडिक्टेड होगी, या पे तो 0.75 या 0.222। कहाँ से आया और इसको कैसे क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, 75 कहाँ से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयड फॉर हाई शॉपिंग। तो आप ये देखिए हाई शॉपिंग में एम्प्लॉयड के हाई शॉपिंग का परसेंटेज है 0.75 और एम्प्लॉयड का हाई पे, अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड का हाई पे है 0.222 जो आ गया ये वाला। बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस टेबल को कन्वर्ट कर दिया है इसमें, और इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ यूज हुई है, ओड, ओड और लॉग ऑफ ओड और एक्सपोनेंशियल। पहले आपको इस सारे पे कंफर्टेबल होना है, उसके बाद ही हम बाइनरी, लॉजिस्टिक्स, मल्टीनोमिनल, ऑर्डिनल इन सब की बात कर सकते हैं। पर ये असेंस है हर तरह की इस रिलेशन का जिसको ऑड बोलते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है। तो एक बार आप इन दोनों वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे रुकते हैं हम। अगले वीडियोज़ में हम बातें करेंगे इसके और कौन कौन से स्टेटिस्टिक्स इन्वॉल्व हैं इसके साथ, पर बेस यही रहेगा इसमें। ऑर्डिनल इन दोनों से क्यों अलग है ये हम अगले वीडियोज़ में बात करेंगे। थैंक यू।